नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे बालकनी में जो डफेनबेकिया का प्लांट है उसके बारे में। इसे डमकेन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, तो जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। ये जो डफेनबेकिया का प्लांट है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। इसे हम घर के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। इसके पत्ते जो है वो बहुत बड़े बड़े और अलग अलग कलर में होते हैं। उनका कलर कभी कभी ज़्यादा वाइट और साइड में डार्क ग्रीन रहता है, और किसी प्लांट में ज़्यादा डार्क ग्रीन के पत्ते भी रहते हैं। इसकी जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ है वो हमारे घर में जो हवा में हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको अब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध बनाती है। अगर हम इसको घर में रखेंगे तो ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ छोटे बच्चों का हाथ ना पहुँचे और कुत्ता बिल्ली भी इसके पत्ते ना खाए, क्योंकि ये जो पत्तियाँ है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें से सैप निकलता है, तो वो प्लांट के लिए तो प्रोटेक्टिव है लेकिन हमारे शरीर के लिए वो थोड़ा हार्मफुल है। इसीलिए हम इसको घर में रखेंगे तो थोड़े ऊंचाई पे रखना चाहिए। इसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा मोटा और इसी तरह से इसको ऐसे रिंग होते हैं, और जब हमको इसकी कटिंग लगाने हो तो इसी के पास से कट करके इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे इसमें छोटे छोटे अंकुर दिख रहे हैं अभी, तो इसमें से ही और एक नया प्लांट भी आ सकता है। मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया है। इसे ग्रो करने के लिए जब हम मिट्टी बनाएंगे तो वो मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए, तो उसमें ज़्यादा करके सैंड मिक्स करेंगे तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होगी। और ये जो प्लांट है इसे ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे की सुबह की धूप भी मिलेगी तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने छोटे से पॉट में मैंने इसे ग्रो किया है और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। देखिए कितना बड़ा हो रहा है ये, और इसमें से ही एक नया प्लांट आया था तो ये मैंने दूसरे छोटे से पॉट में लगाया है। और इसके बारे में और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो प्लांट है इसे अगर हम घर में रखते हैं तो एकदम अंधेरी जगह पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो इसे थोड़ी सी ऐसी जगह पे रखिए कि थोड़ी सी रोशनी आती हो। हमारे यहाँ जो बाकी जो प्लांट रहते हैं वो जैसे रोशनी की तरफ झुकते हैं, वैसे ही ये प्लांट जो है वो रोशनी की तरफ झुकता है, तो इसे हमेशा घुमाते रहना चाहिए तभी ये ऊपर से एकदम स्ट्रेट दिखेगा। इसे कुछ ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं रहती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जो नीचे की पत्तियाँ होती है वो ऐसे नीचे झुकती है और बाद में ब्राउन होके ख़राब होती है, तो उनको ही हमेशा कट करते रहना चाहिए। तो इसे हम कट करेंगे तो इस प्लांट को ऊपर से अच्छे से नए नए पत्तियाँ भी आएंगी और ये प्लांट भी एकदम स्ट्रेट सीधा रहेगा, तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसको अच्छे से ऊपर से घना बनाना हो तो इसके नीचे के पत्तियाँ हमेशा काटते रहना चाहिए। इसे ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, साल में 2 बार इसको थोड़ा सा कंपोस्ट देंगे तो भी चलेगा। और जब हम बाकी प्लांट के लिए जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो थोड़ा सा देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी ये प्लांट अच्छे से आता है। ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं, जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी तभी इसमें पानी देना है। अगर हम इसको घर में रखते हैं तो बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर रखेंगे तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी जल्दी सूखेगी तो इसे पानी देने की ज़रूरत है। ये जो डमकेन प्लांट है इसके ऊपर ज़्यादा इंसेक्ट अटैक भी नहीं होता है, लेकिन बाकी जो प्लांट है उसके जो इंसेक्ट इसके ऊपर आ भी जाते हैं, तो इसमें अगर पानी से अच्छे से स्प्रे करेंगे तो भी वो निकल जाएंगे। इसकी पत्तियों को हम लोग सोप वाटर से अच्छे से धोएंगे तो बहुत ही सुंदर और एकदम चमकदार दिखते हैं। तो इस प्लांट को हम घर में रखते हैं तो घर की खूबसूरती बढ़ती है और जो हमारे आजू बाजू की हवा है उसको भी ये प्लांट शुद्ध करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डफेनबेकिया का प्लांट है बहुत इजी टू ग्रो है और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट, हवा शुद्ध करने वाला प्लांट भी है। तो ऐसे इतने सारे फायदे इस प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट हमें हमारे गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।